अब देखो, आपने देखा ये टर्न पे कितना लेफ्ट में गया था। गणपी बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बुलांबे माते की जय। बप्पा मोरिया। Hey guys, good morning and welcome to the channel. तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड अलग है। यूजुअली हम सुबह जब ही निकलते हैं घर से तो घर पे मैं वीडियो निकालता हूँ निकलने का। पीछे मेरे मैकडी है तो हम लोग ऑलरेडी कलंबोली में, तो मैंने सोचा कि एक ही रास्ता बार बार क्यों दिखा है, तो इसीलिए ये वीडियो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं काशिद, विच इज़ काशिद बीच इन अलीबाग। तो इस बार हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त हैं। दिस इज़ जसविंदर सिंह बख्शी मिकी, मेरा पुराना दोस्त है बचपन का। अब जॉय को तो जानते हो, हमारे साथ ये शिरडी वाले राइड पे था। तो हमारे साथ आज दो बुलेट और हमारी गाड़ी है। तो अभी हम यहाँ से, यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, तो यहाँ से निकलते हैं और फिर ये रास्ता तो हमने पहले भी दिखाया आपको। ऐसी जगह से वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ, जिस रास्ते पे हम पहले कभी नहीं गए। तो अभी हम लोग कलंबोली से निकल रहे हैं, तो अगला स्टॉप हम लोग कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह से भी हमने लिया है राइट कलंबोली के आगे से, और ये रास्ता जाता है, आपको गोवा जाना है वाया कोंकण रास्ते से, या आपको अलीबाग जाना है तो यहाँ से आपको जाना पड़ता है। पहले ये रोड बहुत ख़राब हुआ करता था, लेकिन अभी ये नया रोड बना है, ये ऊपर ऊपर से जाता है और काफ़ी अच्छा रोड है। मैं पहले भी यहाँ से जा चुका हूँ, लेकिन हमने कभी ब्लॉग नहीं किया था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तो मैं आपको इस रास्ते के थोड़े मज़े देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। ये सौरभ घाट सेक्शन है, लेकिन काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुंबई में काफ़ी गर्मी है, हमने सोचा गर्मी रहेगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ठंडा मौसम है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज अराउंड, जिसकी वजह से मौसम ठंडा है यहाँ पे। एंड दिस इज करनाला बर्ड सेंचुरी। आपको अगर मालूम है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, अभी ये रोड ऊपर से जाता है इसके लिए। पहले जब ये नीचे से रोड जाता था, दोनों तरफ झाड़ियाँ इतनी घनी होती थी कि नीचे सनरेज आते नहीं थे। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये रोड जो जाता है, आपको अगर करनाला बर्ड सेंचुरी जाना है तो यहाँ से एंट्री आपको मिलेगी। रोड भी सुपर है, मतलब मुझे याद है आज से तीन साल पहले ये रोड इतना गंदा था कि लिटरली पत्थर थे, पत्थरों के ऊपर से मैं गाड़ी लेके गया था। बट नाउ इट इज सुपर सुपर गाइस, आप ये एंजॉय कीजिए व्यू, तब तक मैं ये रोड एंजॉय करता हूँ। अब देखो, आपने देखा ये टर्न पे कितना लेफ्ट में गया था। हलू हलू तिथे गेले, हलू हलू आता तुम्ही घुसला असता तिथे, हलू चालवा जरा। सो गाइस, धूप निकल चुकी है, अभी हमने कवर किए हैं 64 किलोमीटर्स अभी तक। सुबह से धूप नहीं आ रही थी क्योंकि बादलों में सूरज छुपा हुआ था। मैं हमेशा यहाँ पे करता हूँ, अच्छा मिलता है यहाँ पे, मिसल विसल है ना, बहुत अच्छे हैं। नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में है मिसल, मैंने मिसल मंगाई है, जॉय ने मेदू वड़ा मंगाया,
और लिखी राह देख रहा है बटाटा वड़ा, क्योंकि अभी आलू बने नहीं है, पके नहीं है, आलू पकेंगे वड़ा बनेगा फिर आएगा। वो सामने देखो, सामने सामने देखिए फार्मर्स है, वो फार्मर्स अभी आलू लाने गए। तो गाइस मिकी का वड़ा आ चुका है। ये वड़ा थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, और जॉय का भी वड़ा आ गया। थैंक यू थैंक यू। जॉय और मिकी दोनों वड़े खाते हैं और वड़े जैसे बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हम लोग वड़े ही हो गए। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैं इस होटल में बहुत बार आता हूँ, मतलब यूजुअली मैं यहाँ से गुजरता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता ही हूँ। वजह यह है कि खाना अच्छा होता है, दूसरा है इसका लोकेशन। देखिए बहुत खूबसूरत लोकेशन है इसका। तो यहाँ पे बैठ के नेचर का मजा लेते लेते खाने में और मजा आता है और खाने का स्वाद बढ़ता है। Hey, food was awesome. Very good food. बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वड़ा कैसा था जॉय? वड़ा वाले वड़ा था। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट हो चुका है, यहाँ से निकल रहे हैं। अरे यार ग्लोव्स पहनना भूल गया, तो चलो आगे रुक के मैं ग्लोव्स पहनता हूँ। ये रोड है ना दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत रोड है, मतलब थोड़े से ट्विस्टी है और गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले साल में 2 महीने में 6 बार अलीबाग आया था, उसमें से 5 बार मैं, सॉरी 4 बार मैं बाइक पे आया था बैक टू बैक। तो ये रोड मुझे इतना बारनाट हुआ है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी मुझे याद है। वैसे भी अलीबाग इज क्वाइट क्लोज डेस्टिनेशन, स्पेशली आप मुंबई में रहते हो, तो अगर आपको घूमना जाना है, घूमने जाना है, तो अलीबाग इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन आफ्टर पुणे या लोनावला जो आपके दिमाग में आएगा। मतलब अगर आपको पहाड़ पे जाना है तो आप लोनावला पुणे जाओगे, अगर आपको बीच पे जाना है तो आप अलीबाग आओगे, वैसा है। तो अलीबाग इज अ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे काफी बीचेस है, जैसे कीन है, आक्षी है, मुरुड़ जंजीरा है, देन काशिद है। तो काफी सारे बीचेस है अलीबाग में, मतलब अलीबाग बीच भी अलग है जो प्रॉपर अलीबाग बीच है। तो गाइस अभी हम गढ़खल पहुंच चुके हैं, तो हमने भी हाईवे से एग्जिट करके, अभी अंदर वाला रोड है, ये जाएगा अलीबाग। अलीबाग नगरीत आपले सहर्ष स्वागत है, वेलकम टू अलीबाग। ये राइट आप लेते हो तो ये मांडवा जेटी जाता है और की बीच जाता है, और अगर आपको अलीबाग जाना है, अलीबाग सिटी, तो आपको ये सीधा जाना है, यहाँ से एक हार्ट सेक्शन शुरू होता है। सो गाइस अभी हमने 105 किलोमीटर कवर किए हैं और ये दिखा रहा है कि और 27 किलोमीटर बाकी है फॉर काशिद, एंड 47 मिनट्स लगेंगे हमको वहां पर पहुंचने के लिए। अभी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। सो गाइस अभी हम गुजर रहे हैं चेवल गांव से, छोटा सा गांव है और काफी सारे खूबसूरत गांव है ये। आप देख सकते हो रास्ते के दोनों तरफ ये घर है और काफी सारे नारियल के पेड़ हैं, काफी ग्रीनरी है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक छोटे से गांव में रेवदांडा, और यहाँ पे इनकी जेटी है जहाँ पे ये फिशिंग वगैरह करते हैं। आप देख सकते हो ये सब बोट्स खड़ी हैं जो फिशिंग करती है। तो ये रास्ते में पड़ता है तो हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं और आपको ये दिखाते हैं नज़ारा। वैसे आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है, ये लहरें आ रही है, आवाज़ करी है, लहरों की आवाज़ आप सुन सकते हो। जो तो फॉरेनर लग रहा है लेकिन देसी फॉरेनर। तो भाई जहाँ पे अभी हम खड़े थे जो जेटी थी, आप देख सकते हो वो लेफ्ट साइड में है, और ये वो ब्रिज है जो दिख रहा था वहां से। आप देख सकते हो नजारा कितना खूबसूरत है।
ये देखिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है ये। जो कैसे है, मस्त है ना? ये पूरा रोड ऐसी चलेगा, ये समुद्र पर लग के चलेगा ये। सो गाइस, अभी हम थोड़े नीचे आ गए, ये ऊपर हमारी गाड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे नीचे मतलब यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। तो आपको ज़रा नज़दीक से ये व्यू दिखाता हूँ और आपको ये लहरों की आवाज़ सुनाता हूँ। ये इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ पे घंटों बैठ के देख सकते हो इन लहरों को। तो चलो, लेकिन हमें आगे जाना है, हमें तो गाइस फिर से ये थोड़ा सा घाट सेक्शन जैसा शुरू हुआ है। और ये देखिए राइट में समंदर, तो हमें ये थोड़ा सा ऑफ रोड स्ट्रेच दिखा जो सीधा समंदर की तरफ जाता है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। वैसे भी हमारी बाइक है, यहाँ पे आराम से जाएगी। गाइस ये बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब पानी में नहीं जा रहे हैं, ये पत्थरों पे जा रहे हैं। अब देख सकते हो कितना खूबसूरत है। Nobody on the beach, तो खड़ा हूँ बीच के बीचों बीच। ये बीच है और ये हम है, और हमारी पार्टी नहीं हो रही है, और वो हमारी बाइक है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत गर्मी थी दोस्तों। जगह बहुत खूबसूरत थी लेकिन वहाँ पे छाँव बिल्कुल नहीं थी और इतनी देर हम धूप में थे। अभी थोड़ी हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से काशिद कुछ 9 किलोमीटर बाकी है अभी, और नज़ारे यहाँ के आप देखते रहोगे, मतलब ये अच्छा है कि वो अच्छा है आप समझ नहीं पाओगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं काशिद, ये राइट साइड में आप जो देख रहे हो दैट इज काशिद बीच, और यहाँ पे ऐसे ये शैक्स है। सो गाइस काशिद पहुंच चुके हैं, तो अभी हम बस बीच की तरफ जा रहे हैं। पहले एक शैक में देखते हैं कहीं पे सामान रखे और फिर बीच पे चलते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं, बीच पे जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद जाएंगे। हमने थोड़ा चिल आउट किया और अभी हम बीच पे जा रहे हैं। सो दिस इज द काशिद बीच, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन अलीबाग। इनफैक्ट कोंकण रीजन में मतलब रत्नागिरी मालवण वगैरह छोड़ोगे तो काशिद बीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच। अगर आप काशिद में अगर एक बार आओगे तो आप अलीबाग में किसी भी बीच पे आप जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इफ़ यू गेटिंग योर फैमिली, यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स है, ये डेजर्ट बगी है, देन बनाना राइड है, हॉर्सेस है, कैमल है, तो फैमिलीज के लिए
एक पूरा पैकेज है, मतलब यू कैन हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड इवन द किड्स कैन एंजॉय हियर। तो अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, हम कुछ खाते हैं। आप इस बीच पे आते हो तो आपका गोवा वाला फीलिंग आएगा। आई एम टेलिंग यू, आई कैन अश्योर यू कि आपको ऐसा लगेगा कि गोवा में आए हैं। इट्स अ डिफरेंट बीच ऑल टुगेदर। मतलब इतने सारे बीचेस में गया हूँ, मतलब मुंबई में जाओ या तो अलीबाग इस तरफ आप अगर आते हो तो काशी इज वन ऑफ द बेस्ट बीच यू कैन फाइंड। मजा आ रहा है, कितना सारा आ रहा है, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। गाइस अभी हम ये बगी चला रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तो मैं चला नहीं रहा हूँ, बस हाथ रखा है। ये बंदा जो पीछे बैठा है ना, ये चला रहा है। ये बस मुझे फील दे रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी जाने के टाइम पे ये चला रहा है, अभी मैं चलाऊंगा बाद में। तो गाइस अगर ये राइड करना है तो ये भाई से राइड कराना। सो गाइस अभी हमने एटीवी का राइड लिया, बहुत मज़ा आया, आई एम टेलिंग यू। जाते समय मुझे कैमरा पकड़ना था, इसके लिए वो बंदा चला रहा था, लेकिन आते समय मैंने चलाया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू शुड आल्सो ट्राई इफ यू कमिंग दिस साइड। ज़्यादा नहीं, 100 rupees ही चार्ज। अगेन ठीक है, आज मतलब अभी ये वीकडे है इसके लिए 100 लेते हैं, अदरवाइज दे चार्ज 200 rupees, बट इट्स वर्थ इट। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं आगे फॉर लंच। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं काशिद बीच से और अभी जाएंगे लंच के लिए, तो देखते हैं लंच में क्या मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग काशिद से थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है जो मुझे मालूम है, तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो निकालते हैं। फ़ोटो निकालना ज़रूरी है भाई। अभी हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट मतलब होटल एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग दोनों है। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग हियर फॉर फूड, यहाँ पे रहा नहीं हूँ, लेकिन यू गेट सम ऑफ द वेरी गुड फिश यहाँ पे। तो चलो फिर देखते हैं खाने में क्या आज। तो गाइस जैसे मैंने कहा नील दूध, यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, द फूड इज़ वेरी गुड ओवर हियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये टेबल आप देख सकते हो, दिस इज़ बिटवीन नेचर। मतलब ये केले के पेड़ वगैरह हैं, नारियल के पेड़ है, इसके बीच में ये टेबल लगाया हुआ है। सो द एम्बियंस इज सुपर, मतलब आप नेचर के बीच में बैठ के आप खाना खा रहे हो तो आप सोचो कितना मज़ा आएगा। तो चलो अभी हमने चिकन मंचूरियन और प्रॉन्स फ्राई बोला है, गाइस हमारा मंचूरियन आ चुका है, दिस इज हाउ इट लुक्स। दिखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। गाइस मैंने अभी पहला निवाला खाया, इट्स रियली वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। तो गाइस प्रॉन्स फ्राई भी आ चुका है, तो देख ली, आप देख सकते हो काफ़ी यमी लग रहा है। तो गाइस आखिर में हमारी प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और खाना आ चुका है। इट टुक गुड 20 minutes फॉर द फूड टू अराइव,
बट देन इट इज रियली रिलिशियस। आप देख सकते हो दिस इज माय बांगड़ा थाली, दिस इज सुरमई थाली। तो हमने थोड़ा टेस्ट किया था, क्या करें, भूख इतनी लगी थी कि हम भूल गए कि हमको रिकॉर्डिंग करना है। फूड इज रियली गुड। तो चलो हम लोग कभी खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस खाना हो चुका है, खाना बहुत स्वाद था, बहुत मस्त था, मज़ा आया। बस हम लोग अभी चिल कर रहे हैं, थोड़ी देर म्यूज़िक सुन रहे हैं। अभी मैंने पॉज किया क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, आपको तो मालूम है। तो अभी बस 10-15 मिनट रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा म्यूज़िक सुनते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। इस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं नील गार्डन से। खाना जैसे मैंने कहा, खाना काफ़ी अच्छा था। ये इनकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे रूम्स भी है, आप ये देख रहे हो। ये सामने छोटे छोटे कॉटेजेस है। दी लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एम्बियंस अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी शांति है, काफ़ी पेड़ है, पौधे हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका भाई काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो सब्सक्राइब करके आपका प्यार दिखाइए मुझे। तो चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कलंबोली। तो अभी हमारे दोस्तों को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया, क्योंकि अभी आगे इतनी ट्रैफिक रहेगी कि हम साथ चलना थोड़ा मुश्किल ही है। तो थैंक यू मिकी, थैंक यू जॉय, एंड डेफिनेटली हम लोग अगले राइड पे फिर से मिलेंगे। चलो बाय।